अभी 2 महीने का समय है और ये देखिए फ्रूट मैं यहाँ से ये देखिए हार्वेस्ट कर लेता हूँ और एक और इसमें 2 फ्रूट और लगे हुए थे और चाइनीज मौसमी बोलते हैं, खाने में मीठी होती है और इसका हार्वेस्टिंग का टाइम हो रहा है। फलन देखिए दोस्तों इस वैरायटी की, ये देखिए छोटे फल, बड़े फल, मझोले फल, हर तरह के फल, ये देखिए गुच्छों में लगे हैं फल और अब ये कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। और यहाँ भी देखिए कुछ अमरूद लगे हुए हैं, ये है अरुणिका मैंगो और देखिए ग्रोथ देखिए, और कुछ दिनों ये देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में है। और यहाँ पर देखिए थाई ऑल टाइम का मेरा प्लांट भी फ्लावरिंग स्टेज में है। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छी प्रकार से होंगे। दोस्तों आज 3 नवंबर है और हर महीने मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। मैं अपने गार्डन में जो भी फ्रूट प्लांट्स लगाया हुआ हूँ उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है समय समय पर आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं अमरूद के पौधे, आम के पौधे, बेर के पौधे, जितने भी सिट्रस के प्लांट हैं वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे फलदार पौधे आपको दिखाऊंगा और उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है ये भी बताऊंगा। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हैं ताइवान पिंक अमरूद का प्लांट है और यहाँ देखिए फ्रूट लगे हुए हैं, ये दिखा दीजिए, ये देखिए, और अभी ये कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। और यहाँ भी देखिए कुछ अमरूद लगे हुए हैं और 18x18 के ग्रो बैग में ये प्लांट लगा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ देखिए अमरूद लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए ग्रोथ बढ़िया चल रही है। और इस वक्त सिर्फ मैं पौधे में पानी दे रहा हूँ क्योंकि अमरूद का पौधा ज़्यादा पानी लेता है जब इसकी जड़ें पूरी तरीके से ग्रो बैग में फैल जाती हैं। और फिलहाल बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और समय समय पर इसकी अपडेट भी आपको देता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं 1 kg अमरूद का प्लांट और यहाँ देखिए फ्रूट सेटिंग हो रही है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पॉट साइज, ये 16 इंच का प्लास्टिक का पॉट है और ग्रोथ भी बढ़िया चल रही है, पौधा हरा भरा है पूरी तरीके से स्वस्थ। दोस्तों यहाँ पर देखिए अमरूद का एक दूसरा प्लांट है और यहाँ पर देखिए फ्रूट सेटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग, अभी फ्लावरिंग चलेगी काफ़ी दिनों तक और फ्रूट की सेटिंग हो रही है और अच्छी तरीके से पौधा चल रहा है और आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पॉट में है। दोस्तों ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हैं ये ताइवान वाइट का प्लांट है अमरूद का और थोड़ा सा अलग चलता है और ये लगा हुआ है दोस्तों 3 के कंटेनर में, ये देख सकते हैं 3 का कंटेनर और बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, मैंने प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी, पौधा हरा भरा है पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब ये जो प्लांट आपको दिखा रहा हूँ ग्रो बैग में लगा हुआ है छोटे से ग्रो बैग में और अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, ये है हिसार सफ़ेदा। ये अमरूद खाने में काफ़ी मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है इसलिए मैंने इसका प्लांटेशन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं रेड डायमंड गुआवा जो जापानी अमरूद बोला जाता है, ये उसी का प्लांट है और इसमें मैं फ्रूट ले चुका हूँ एक बार और फ्रूट लेने से थोड़ी ग्रोथ उसकी रुक गई थी और प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है और पौधा हरा भरा है पूरी तरीके से स्वस्थ है। और इसकी पहचान ये होती है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं जापानी अमरूद की काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो इसी टाइप का ये प्लांट है और ये सीड इसमें बहुत कम होता है। दोस्तों यहाँ पर सिट्रस के मेरे कुछ प्लांट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये चाइनीज मौसमी बोलते हैं, खाने में मीठी होती है और इसका हार्वेस्टिंग का टाइम हो रहा है और 80 से 100 ग्राम तक ये हो जाता है, प्लास्टिक की तरह इसकी पत्तियाँ देखने में लगती है और ये टेरेस गार्डन के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है। और इसी के बगल में ये कैमकॉर्ड लेमन देख सकते हैं, फ्लावरिंग कितनी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है ये प्लांट और कुछ दिनों में इसमें बहुत सारे नारंगी लग जाएंगी। इसी के बगल में आप ये देख सकते हैं लेमन का प्लांट, देखिए दोस्तों फ्लावर भी आ रहा है, छोटे फल, बड़े फल, हर तरह के फल आपको दिखाई देंगे। और गमला भी मैं दिखा दे रहा हूँ, प्लास्टिक का ये पॉट है और कुछ दिनों पहले मैंने कैल्शियम की एक टैबलेट इसमें दी थी और वीडियो बनाया था और बताया था कि फूल इसमें आ जाएंगे और आप देख सकते हैं सामने रिजल्ट। दोस्तों जो मैं एक्सपेरिमेंट अपने प्लांट पे करता हूँ उसी का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ओवरव्यू में आपको मैंने ये प्लांट दिखा दिया और फर्टिलाइजर भी दिया था, ऐसा नहीं है कि उस टैबलेट की वजह से ही
इसमें फूल और फल आए हैं, लेकिन ग्रोथ बढ़िया है और पूरा ये देख सकते हैं फूल ही फूल आ गए हैं पूरे प्लांट में। नींबू ही नींबू लगेंगे सर्दियों में। और यहाँ पर देखिए कुंभकर्ण नींबू फलन देखिए दोस्तों इस वैरायटी की, ये देखिए छोटे फल बड़े फल मझोले फल हर तरह के फल ये देखिए, और फ्लावरिंग भी चल रही है। यहाँ पर कागजी बारहमासी नींबू की फलन देखिए दोस्तों, ये देखिए गुच्छों में लगे हैं फल, हर जगह पर आपको नींबू दिखाई देंगे, साथ में आ रहा है फूल, लगा हुआ है टीन के कंटेनर में, क्योंकि दोस्तों मैं पौधा भी दिखा रहा हूँ कंटेनर भी दिखा रहा हूँ। नींबू काफी ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं और यहाँ देखिए फूल चल रहा है, ये भी टीन के कंटेनर में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर इसको जो है रिपोर्ट करेंगे ग्रो बैग में, क्योंकि अब ये प्लांट धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और इसी के बगल में ये नागपुर ऑरेंज का प्लांट ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है और इसको मैंने रिपोर्ट किया था, और यहाँ पर देखिए एक ऑरेंज लगा हुआ है और इसमें ऑरेंज काफ़ी लगे हुए थे लेकिन अभी पौधा उतना स्ट्रांग नहीं इसलिए गिर गए। फिलहाल एक ऑरेंज यहाँ पर फ्रूट पकड़ लिया है। और इसी के बगल में ये एलोविदा का प्लांट, इसकी मुझे काफ़ी आवश्यकता पड़ती है इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और कई अन्य काम इसके होते हैं। दोस्तों ये मेरा एप्पल वेयर का प्लांट है और वैरायटी है बाल सुंदरी, आप देख सकते हैं प्रचुर मात्रा में एप्पल बेर यहाँ देखिए ये लगे हुए हैं। ऐसी कोई डाली नहीं है जहाँ पर कि एप्पल बेर ना लगे हों, ये देखिए आराम से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कोई भी फ्रूट पीला होकर गिर नहीं रहा। कुछ फ्रूट तो गिरेंगे ही जब ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब फ्रूट पकड़ लेता है तो कुछ तो फ्रूट की ड्रॉपिंग होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि सारे फ्रूट गिर जाएँ। देख सकते हैं 15x15 का ग्रो बैग है, और जैसे आप लोग गार्डनिंग करते हैं उसी तरह मैं भी करता हूं और कोई अलग नहीं हूं, बस थोड़ा सा पौधों का ध्यान रखता हूं, इसी वजह से पौधे अच्छी तरीके से चलते हैं और बेर का पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मिस इंडिया एप्पल बेर का प्लांट है, और यहाँ पर देखिए फ्रूटिंग कितने ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मिस इंडिया एप्पल बेर का प्लांट है, और देखिए फूल भी आ रहे हैं फल भी आ रहे हैं। और यहाँ पर कलर दिखा दीजिए, ये देखिए कलर आना धीरे धीरे शुरू हो गया है, और इसमें दो बार बेर लगते हैं, और गर्मियों में जो है बेर में कलर नहीं आया था लेकिन सर्दियों में जो बेर आएंगे उसमें कलर आएंगे। तो मिस इंडिया एप्पल बेर और बाल सुंदरी एप्पल बेर की मेरे पास दो वेरायटी। दोस्तों ये मेरा इंडियन मौसमी का प्लांट है और आप देख सकते हैं कि ये मौसमी पक चुकी हैं, ये देखिए पूरी तरीके से पक चुकी हैं और इसका अब हार्वेस्टिंग का समय हो गया है। और आज के इस वीडियो में मैं ये दोनों मौसमी हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, देख लीजिए कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं है। और पहले ये देख लीजिए कि इसमें पतझड़ शुरू हो गई है, क्योंकि पतझड़ होगी उसके बाद इसमें दोबारा से फूल आएंगे जनवरी में। अभी दो महीने का समय है और ये देखिए फ्रूट मैं यहाँ से ये देखिए हार्वेस्ट कर लेता हूँ, और ये फ्रूट यहाँ पर है, ये देख सकते हैं ये दो फ्रूट, और इसमें दो फ्रूट और लगे हुए थे, और काफ़ी बढ़िया होता है ये इंडियन मौसमी का प्लांट, मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ आप इसका प्लांटेशन जरूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला अंगूर का प्लांट है, 15x15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, और अभी नया प्लांटेशन है, करीब 6-8 महीने हुए हैं इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, पौधा अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों ये रेड वाला गन्ना है, और देखिए थर्माकोल के बॉक्स में मैंने आसानी से ग्रो कर लिया, जरा पास से दिखा दीजिए। इसमें मैंने सिर्फ गन्ने की एक स्टिक लगाई थी और देखिए गन्ने ही गन्ने निकल आए हैं। कुछ दिनों के बाद मैं इसमें से गन्ना हार्वेस्ट कर सकता हूँ, हाइट देखिए कितनी हो गई है गन्ने की। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सिट्रस की वैरायटी लगाई हुई है, ये है वियतनाम माल्टा का प्लांट, देखिए स्टेम कितना मोटा हो चुका है, और जनवरी में इसमें फूल भी आएगा और आपके फल रुकेंगे भी। इसी के बगल में ये पंजाब माल्टा का प्लांट है, ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया चल रही है। और ये है भूटानी ऑरेंज, ये देखिए जिसे कलकत्ता में सातुकी कमला के नाम से जाना जाता है, मीठा संतरा होता है और मैं इसका फ्रूट खा भी चुका हूँ, बहुत बढ़िया ये संतरे की वैरायटी है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वियतनाम माल्टा का एक और प्लांट है, और इस वक्त थोड़ा सा सुस्त अवस्था में है, सिट्रस प्लांट इस वक्त कुछ सुस्त हो जाते हैं, लेकिन इसका स्टेम दिखाइए कितना मोटा हो चुका है इसका स्टेम, और बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है, और इसमें जनवरी में फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे, आप लोग देखिएगा। और पौधा अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि पौधे में थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, जो मैंने इसको दे दिया है, अब ये 1 साल का समय व्यतीत कर चुका है और जनवरी में इसमें
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। यहाँ पर मेरे चीकू के 2-3 प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें काला पत्ती है और क्रिकेट बाल है और थाई चीकू है, तो इसमें भी फल लग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए चीकू लग रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये चीकू बन चुका है, तो चीकू भी इसमें लगना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें जो पिंचिंग टेक्निक आप अपना सकते हैं, जैसे मैं अपनाता हूँ, ऐसे दबा दिया जाता है फूल को और उसके बाद फल आसानी से लग जाते हैं, अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो, क्योंकि बहुत ही आसानी से चीकू लग जाते हैं। तो जिनके यहाँ फूल लगे हैं चीकू में, तो पिंचिंग कर दें हल्की सी तो फ्रूट पकड़ लेता है, और पानी ज़्यादा देंगे तो ही फूल ड्रॉपिंग हो जाएगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, सीवर फर्टिलाइजर का स्प्रे करें माइक्रोन्यूट्रिएंट का, पौधे में फल बनेगा और रुकेगा, और ड्रॉपिंग जो होती है बड़े होकर गिरने वाली, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होती है, तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो वो भी रुक जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मीठा करौंदे का प्लांट, और ये देखिए करौंदा लगा हुआ है तो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ भी करौंदे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही करौंदा लगा हुआ है, इसमें ढेर सारे करौंदे लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ भी करौंदा लगा हुआ है, और एक मीठा करौंदा आता है खट्टा, तो ये मीठा वाला करौंदा है, और 6 महीने का ये प्लांट है। ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है, हरा भरा है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये है बारीवन स्वीट माल्टा का प्लांट, और इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने रूट की प्रूनिंग किया था, फर्टिलाइजर दिया था, वीडियो भी पब्लिश किया था, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं रूट की प्रूनिंग कैसे करता हूं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था जाके देख लीजिएगा। और इसमें जनवरी में फूल आता है, और इसमें माल्टा जो है एक ही बार लगता है। इस वैरायटी का नाम है बारीवन स्वीट माल्टा। लेकिन दोस्तों इसकी केयर का नतीजा देखिए, अभी से ही फूल आना स्टार्ट हो गया है बारीवन स्वीट माल्टा के प्लांट में। हो सकता है कि ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन आ गया है तो आ गया है, और मैंने आपको दिखाया है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, क्योंकि फूल का जो समय है जनवरी है, लेकिन उससे पहले ही देखिए फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये अच्छा साइन है प्लांट के लिए, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और इसी के बगल में मेरा ये अंजीर का प्लांट टीन के कंटेनर में लगा हुआ, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, और इसने मुझे काफ़ी अंजीर खिलाए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ मैंने प्लांट लगा रखा है, लिली के प्लांट हैं, और ये देखिए कैक्टस लगा रखा है, तो कुछ इस टाइप के मैंने अभी नए प्लांटेशन किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप प्लांट देख रहे हैं मैंगो का, ये है अरुणिका मैंगो, और देखिए ग्रोथ देखिए। और कुछ दिनों पहले मैंने इसमें जिप्सम का प्रयोग करके आप लोगों को दिखाया था, और देखिए फुटाव देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में आई है, हर जगह से फुटाव आ रहा है, ग्रोथ बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा कॉटिमोन मैंगो का प्लांट, फिलहाल बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है, ये देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में है। और यहाँ पर देखिए थाई ऑल टाइम का मेरा प्लांट भी फ्लावरिंग स्टेज में है, अभी प्लांट छोटा है, और आम के पौधे से फल लेने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, इतनी जल्दी इसमें फ्रूटिंग नहीं सेट हो पाती, क्योंकि जब तक प्लांट मजबूत नहीं होगा फ्रूट इस पर सेट नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अरुणिका मैंगो का प्लांट, और इसमें ह्यूमिक एसिड मैंने ट्राई किया था और जिप्सम ट्राई किया था, देखिए ग्रोथ नई नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं, चमकदार पत्तियाँ, ये देखिए यहाँ देखिए कीड़े ने खा लिया है। और अभी मैं इसमें आज रात में बिवेरिया बासियाना का स्प्रे करूँगा, क्योंकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया मैंने नहीं किया। और यहाँ पर ये टॉमी एटकिंस का प्लांट है, और ये देखिए यहाँ पर ये बनाना मैंगो का प्लांट है, मेरे पास बनाना मैंगो के 2 प्लांट हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए बनाना मैंगो का प्लांट, और देखिए इसमें खासियत क्या होती है बनाना मैंगो के प्लांट में पहचान, ये देखिए जो इसकी टहनी होती है वो लाल कलर की होती है, और यहाँ भी देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था। यहाँ पर मैं जो आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, ये देखिए बारी लेबन का प्लांट है, और देखिए यहाँ पर अब मुंह बना लिया है मोजर के लिए, तो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, पौधा देखिए हरा भरा है, कोई पत्ती पीली नहीं है, और पूरी तरीके से प्लांट स्वस्थ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने छत के ऊपर किस तरह से प्लांट को ऑर्गेनाइज कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं अपने गार्डन का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये देख लीजिए कैसे कैसे मैंने, देखिए उस साइड में मैंने गन्ना लगा रखा है, और ये सब मैंगो के इधर प्लांट्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेर लगा हुआ है, और ये कंटेनर में आप देखिए मैंने अभी मौसमी यहाँ से हार्वेस्ट की है, उसी के बगल में अंगूर का प्लांट है, और इस टाइप से करके यहाँ पर मैंने ये प्लांट लगाए हुए हैं। और छत पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी मैंने स्पेस क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए, ताकि फैमिली मेम्बर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये देख सकते हैं इस साइड से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और छत पर स्पेस भी होना चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये मेरा लेमन का प्लांट है,
अब इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और पत्तियां झड़ने लगेंगी और उसके बाद जनवरी में इसमें फ्लावर स्टार्ट होगा। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने अपने गार्डन को सेट किया हुआ है। और ये गार्डन का ओवरव्यू दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गार्डनिंग संबंधित मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।